बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ऑरेंज डिलाइट। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। आते हैं अज़ा की तरफ। ये ऑरेंज है हमारे पास, 7 अदद हमने ऑरेंज लिए हैं। इनका जूस निकाल लेंगे। और ये हमने पैन गैस ऑन करके पैन में डाल दिया है जूस। इसको हम बॉईल करके, इसमें 4 चम्मच जूस है हमारा, तकरीबन जूस हमारा 1/2 लीटर है। और इसमें 4 टेबलस्पून हम चीनी के डालेंगे। अगर खट्टा है आपका जूस तो आप थोड़ा ज़्यादा कर दें, चीनी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 4 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, वो हमने पानी में मिक्स करके, 1/2 कप पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है। और अच्छे से इसको पका लेंगे। जब ये गाढ़ी जल बन जाएगी तो इसको, ये हमारा तैयार हो गया, देख लें ये इसका होना चाहिए। अब 1/2 लीटर दूध है, 1/2 लीटर जूस था, ये 1/2 लीटर दूध है। चीनी इसमें 4 चम्मच डाल दिए। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, 1/2 कप पानी में, और ये दूध में डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए, और अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि कोई, जिनके बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लें। अब गाढ़ा हो गया है, इसको उतार लें। अब हम इसको, अब इन दोनों को हमने ना एक ही साथ तैयार किया है, कस्टर्ड को भी और ऑरेंज जूस जेल को भी। ये अब हम इनको दोनों की लेयर बनाएंगे गरम गरम की। अब पैन में हमने सबसे पहले ऑरेंज जूस का ये जेल डाली है, जेली। अब इसको बॉल में, अब इसको हम ज़रा फैला लेंगे और इसके ऊपर हम दूसरा कस्टर्ड डालेंगे, फिर वाइट इनकी लेयर बनाएंगे। इस तरह करके सारे हम सारी लेयर बना लेंगे। बारी बारी इस तरह फैला दें ज़रा थोड़ा सा, और बाहर से भी अच्छा नज़र आए। अब ऑरेंज जूस, ऑरेंज जेली, और इसके बाद फिर कस्टर्ड जी। और इसी तरह करके, ये देखिए अब हमारा सारा बाउल तैयार हो गया है। हमने इसको अब 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए और इसका अच्छा टेस्ट आता है ठंडे का, गरम गरम खाने का मज़ा नहीं आता। अब ये डिलाइट कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। अब माशाल्लाह से देखें बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको दूसरी डिश में निकाल लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बेशक किसी बाउल में रहने दें, बेशक डिश में निकाल लें, हम निकाल लेंगे और फिर आपको कट करके दिखाएँगे। ये देखिए हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ, बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।